शेर शेर अकेला दहाड़ता है वैसी साहब को दुम्मार जो है नंगा होके प्रिंट लगवाऊंगा यहाँ वैसी साहब का पतंग उड़ाऊंगा और पतंग जो है ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह। वह सारे तो अखिलेश के पीछे पड़े हैं, आप अकेले हो वैसी के पीछे? अखिलेश के पीछे भाई मैं नहीं हूँ ना, मैं शुरू से था। कांग्रेस को भी मैं वोट नहीं दूंगा, मैंने तो सिर्फ जो है इमरान भाई को वोट दिया। अरे इंशाल्लाह जो है जो वोट दूंगा ना वो ओवैसी साहब को दूंगा, चाहे वोट फेल हो जाए। भाई मैं तो नंगा हूँ, अंडरवेयर भी नहीं पहनना, कहाँ से विकास हो रहा है? एक दिलवा दो अंडरवेयर, बाहर भाजपा थोड़ी ला के देंगे आप, वही तो ला के देगा, वो जिम्मेदार है। मुझे आप जो है सीएम बनाऊ, मैं सबको अंडरवेयर ले, मैं दूंगा सबको कच्चे बनियान। योगी के मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए आए हैं भाई साहब, 1000 रुपए आए हैं। उन 1000 रुपयों को मैंने मोहर मार के घर रख रखा। जिस दिन योगी हार जाएगा ये सब भाई लड्डू खावेंगे। तो पसंद नहीं है सलमान खान है मोदी? और क्या है मोदी प्रधानमंत्री? कुछ भी नहीं है भाई जी, गिनती उसे नहीं आती। कभी यहाँ 500 करोड़ बता दे, कभी 1000 करोड़ बता दे, वहाँ किसान मर रहा। लगे योगी जी? योगी जी कैसा भी नहीं लगा, इससे बढ़िया तो खड़ा कोई है, एक वो खड़ा उससे बढ़िया, उससे भी बढ़िया वो है, बल्कि और है नहीं बस्ती में और तो अन्य वहाँ दिखाता मैं है नहीं। अरे एक तो है देखो भाई साहब कैमरा, जी भी यहाँ पे आ रहे हैं, उनका क्या लग रहा है? ओवैसी का यहाँ कोई वजूद नहीं है, ओवैसी सिर्फ डिवाइडर हैं, वो डिवाइड करने का काम करती है और बीजेपी उसको प्रमोट करने का काम करती है। तो ओवैसी एक अच्छे लीडर हैं, ओवैसी एक अच्छे लीडर हैं, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन यहाँ उनका कोई वजूद नहीं है। और आने वाला दौर अखिलेश भैया, क्योंकि उन्होंने पहले ही विकास के नाम पर वोट लिया था। अब देखियो हर बारी में राम नज़र आ जाएगा उनको, अयोध्या नज़र आ जाएगी, हिंदू मुस्लिम नज़र आ जाएगा, और आप एक मुद्दा दिखा दो जिस पे वोट मांगने का काम कर रहे हैं बीजेपी। खाली हिंदू मुस्लिम करने का काम करेगी, खाली राम को लाने का काम करेगी, लिंचिंग कराने का काम करेगी, दंगे कराने का काम करेगी, इसी पे इसको वोट मिलता आया है। जब ये पहले वजूद में थी, अयोध्या ढांचा गिराने से पहले 2 सीटें आती थी बीजेपी की यूपी में, अयोध्या ढांचा गिराने के बाद ये बहुमत में आई। ये तो हिंदू मुस्लिम करके इंसानियत को मार के सत्ता में आने का काम करते हैं। विकास के ये मुद्दे पे ये ना तो वोट इन्होंने मांगा है और ये ना ये कभी मांगे। हम विकास के साथ थे, हम अखिलेश के साथ हैं, अखिलेश के साथ रहेंगे। अखिलेश के राज में ही यूपी का अच्छा विकास हुआ है और उम्मीद है आने वाला दौर भी अखिलेश भैया का होगा, जो अच्छे से विकास को कार्य करने का काम करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि इकट्ठे हो जाओ, सब एक साथ हो जाओ और जो है ताकत बनेगी, एक मुस्लिम वोट की ताकत बनेगी और सरकार को चोट करेगी। नहीं, मुस्लिम वोट ने तो पहले भी ताकत दिखाई है और आने वाले दौर में भी वो ताकत दिखाने का काम करेंगे, लेकिन हम डिवाइड होने वाले नहीं हैं। ये डिवाइडर का काम करते हैं, डिवाइडर का काम करते हैं, ओवैसी डिवाइडर का काम करते हैं। भाई मेरा तो कहना 100 का 100% एक है, ये जितनी भी पब्लिक खड़ी नहीं, कैमरा इनकी तरफ घुमा दियो। मैं खुद अकेला बीजेपी को तो वोट देना नहीं दूंगा, ओवैसी साहब को, चाहे वो जीतो या ना जीतो। ऐसा क्यों है आप अकेले ओवैसी को? साहब मेरा दिल गवाही इस वजह से दे रहा, क्योंकि जब से भी बीजेपी की सत्ता आई, चे जब से ले लो, जब तक दंगे फसाद, क्या सिर्फ क्या चीज़ खत्म हुई? इसने चोरी डकैती और फलाना ढिमकन, लेकिन मॉब लिंचिंग कितनी हुई उसकी तो कोई लिमिट नहीं है ना। ओवैसी को वोट दे दो, अखिलेश को दे दो, ओवैसी को क्यों देना है? भाई साहब अखिलेश को भी दे चुके हैं वोट, अगर आप खड़े होंगे आपको भी देंगे वोट, ये खड़े होंगे इन्हें भी होंगे, लेकिन देंगे सिर्फ किन्हें? ओवैसी साहब को वोट देंगे, चाहे मैं हार जाऊं। क्यों ऐसा क्यों है? हारने को वोट क्यों दे रहे हो, जीतने को वोट दो ना। हारने वाले को यूं देंगे जो गवाही दे रहा दिल। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है फैजान अंसारी। फैजान अंसारी तो ओवैसी को वोट दे रहे हैं, देखिए आप बताओ। किसी पर्सनल ये देश लोक इस देश में लोकतंत्र है, हर कोई आजाद है अपना वोट देने के लिए। लेकिन अकेला दहाड़ता है शेर अकेला दहाड़ता है ओवैसी साहब को, दुम्मार जो है नंगा होके प्रिंट लगवाऊंगा यहाँ ओवैसी साहब का, पतंग उड़ाऊंगा और पतंग जो है ऊपर ही जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि जो पेड़ वो है जो उग चुका है अरे वो सारे में फैल जाएगा। कहीं भी नहीं फैल रहा है, कई लोग मना कर रहे हैं कि ओवैसी होता ही जो है बच्चा नहीं, मुख्यमंत्री नहीं बना करता, सबसे बड़ा जो है पढ़ा लिखा नेता स्टेम वही है, वही एक पावरफुल नेता है। ये तो क्या है, ये कुछ नहीं है। बीजेपी ने कहा कितना दंगा फसाद हो चुका है, आप लोग देख रहे हैं, ये जो है जितनी मीडिया बिक रही कुछ तो नहीं दिखा रही, आप दिखा सकते हो, मुझे दिखा रहे आपके बीच है। हाँ, अगर आप खड़े हो रहे ना तो मैं आपको वोट देने के लिए तैयार हूँ, अन्य आप मुझे दिलवा दो। इन्होंने तो 5-7 साल में कुछ नहीं करा, लेकिन हम कर देंगे। ओवैसी का तो हैदराबाद में है, वो छोटी सी तो पार्टी है उनकी, क्या कर लेंगे उत्तर प्रदेश? ये इतनी सी पार्टी है जो बच्चा पैदा होते ही नहीं चलने का। अच्छा, मैं भी मुख्यमंत्री बन सकता हूँ क्या? तो ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में लिख रखा ये नहीं, ऐसा नहीं है, बन सकता हूँ नहीं, आगे की तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हम उनके साथ हैं,
उनके लिए जो है आगे की तैयारी करेंगे, उन्हें पूरी सपोर्ट करेंगे। आज तक हमने किसी को वोट नहीं दिया, सिर्फ हमने कांग्रेस को वोट दिया। अब तक दो वोट डाल लिए अपनी 28 साल की उम्र में, लेकिन अब के ओवैसी साहब को वोट डलेगा। अच्छा। उसमें हार जावे या जीत जावे वो तो किस्मत की बात है, वो तो ऊपर वाले ने तकदीर में लिख दिया है। वह सारे तो अखिलेश के पीछे पड़े हैं, आप अकेले ओवैसी के पीछे? अखिलेश के पीछे भाई मैं नहीं हूं ना, मैं शुरू से था। अच्छा। कांग्रेस को भी मैं वोट नहीं दूं था, मैंने तो सिर्फ जो है इमरान भाई को वोट दिया। अरे इंशाल्लाह जो है जो वोट दूंगा ना वो उसी ओवैसी साहब को दूंगा, चाहे वोट फेल हो जाए। कि मैं कह रहे हैं अगर मॉब लिंचिंग किस चीज की कह रहे हैं आप? सभी की हुई मॉब लिंचिंग? सब की नहीं हुई भाई साहब, मुझे रिकॉर्ड दिखा दो आप मीडिया वाले। किसकी मॉब लिंचिंग मान भाई जी? सिर्फ केवल मुसलमान की मुझे दिखाओ, और सबकी, मैं सबकी देखना चाहूँ। सरकार के लिए दलितों की, सिर्फ मुसलमानों की, और तीसरा उसमें कोई नहीं है। ये सरकार कहती है सबका साथ सबका विश्वास। भाई मैं तो नंगा हूँ, अंडरवेयर भी नहीं पहनना, कहाँ से विकास हो रहा है? एक दिलवा दो अंडरवेल्ट, बाहर भाजपा थोड़ी ला के देंगे आपको। वही तो ला के देगा, वो जिम्मेदार है। मुझे आप जो है सीएम बनाओ, मैं सबको अंडरवर्ल्ड ले, मैं दूंगा सबको कच्चे बनियान। मुझे बनाओ, मैं दूंगा सबको कच्चे बनियान। अगर वो नहीं दे पा रहा, नहीं, और सुनो और कंट्रियों में नहीं, अगर एक कुत्ता भी मरेगा उसका जिम्मेदार मैं हूँ। एक कुत्ते का मरने का जिम्मेदार हूँ मैं, यहाँ मर रही पब्लिक। अरे सरकार ने राशन दिया नहीं दिया भाई साहब? मुझे नहीं दिया, मेरा राशन कार्ड नहीं है, साबित करवा दो आप, मेरा राशन कार्ड नहीं है। मैं अपने बलबूते जी रहा, मैंने योगी का एक दाना नहीं खाया, खुद कमा रहा और खुद खा रहा। आप देखो योगी का दाना भी मारा बाप ने, सिर पे योगी का 6 साल से बाबा का इंतकाल है, आज तक 1 रुपया नहीं खाया तो योगी का, नहीं एक दाना खाया योगी के। मेरे पास सिर्फ 1000 रुपए आए हैं भाई साहब। अच्छा। 1000 रुपए आए हैं, उन 1000 रुपयों को मैंने मोहर मार के घर रख रखा। जिस दिन योगी हार जाएगा ये सब भाई लड्डू खावेंगे। और अगर वही 1000 रुपए पे जो मेरे पास धरे हुए हैं ओवैसी साहब जीत के, मैं भी इन सब भाई को लड्डू खुला। मैं 1000 का, वो 1000 रुपए मैंने योगी साहब के खर्च नहीं करे, वो मेरे पास है। बाकी एक दाना मैं दिखाइए घर धरे आओ। अच्छा, चलो मीडिया के सामने दिखाऊंगा। सवाल मेरे से और करो, आप ही बता दो। चलो और बता दो एक सवाल, आप पूछो मैं जवाब दूंगा। क्या लग रहा है, मोदी जी भी सबको पसंद है, अखिलेश? मुझे तो पसंद नहीं है कहीं, सलमान खान है मोदी, और क्या है मोदी प्रधानमंत्री? कुछ भी नहीं है भाई जी, गिनती उसे नहीं आती। कभी यहाँ 500 करोड़ बता दे, कभी 1000 करोड़ बता दे, वहाँ किसान मर रहा, अन्नदाता मर रहा, जय जवान जय किसान हो रहा। और जय जवान जय किसान बेचारा कहीं है ही नहीं, बताओ 40 मर गए जवान। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, सभी लोग कहते हैं कि वो वोट काटने आते हैं, और वही काम आप कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं आप तो। हमने आपको क्या कहा, वो कितना भी वोट काट दें वो सारा काट दें। हाँ। वोट हम उन्हें देंगे, ये भाई साहब दो ना दो, कितने भी हम उन्हें ही देंगे। लोग कहते हैं अगर वोट बट गया तो तीसरी पार्टी को फायदा हो जाएगा। बहुत से आदमी भी कहे जी मैं तो दलाल है। हाँ। तो आप किसी का कहाँ सीएम तक तो पहुंच भी नहीं सकते आप। सीएम की नहीं मैं बात कर रहा भाई साहब, मैं सिर्फ ओवैसी साहब का नाम लिया, सीएम का नहीं मैंने नाम लिया। कैसे लगे योगी जी? योगी जी कैसा भी नहीं लगा, इससे बढ़िया तो खड़ा कोई है, एक वो खड़ा उससे बढ़िया, उससे भी बढ़िया वो है, बल्कि और है नहीं नई बस्ती में, और तो हनी वहाँ दिखाता मैं है नहीं। अरे एक तो है देखो भाई साहब कैमरा, यो है उसका जो रोगा है नहीं। अरे भाई जी अरे यो है, एक यो है उससे जो रोगा। योगी जी तो वोट से हारेंगे, इससे थोड़ी हम तो देते ही नहीं उसे वोट, हम उसे वोट नहीं देते। आप उस तक जो पहुँचा देंगे मुझे पाकिस्तान पहुँचा दे, लेकिन हम उसे वोट देने नहीं भाई जी, क्योंकि दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं होगा। आप तो अखिलेश को कह रहे थे ओवैसी ओवैसी, बढ़िया बात है, दोनों में से कोई सी आ जाए मेरे भाई, दोनों भाई हैं। आप पट जाओगे कैसे आएगी सरकार दोनों में भाई? जो किस्मत में होगा ना, जो नसीब में होगा, जो उनके नसीब में लिखा हुआ होगा उनको मिल के रहेगा। पिछली बार लड़े थे ओवैसी, जमानत जब्त हो गई थी हर जगह, इस बार भी जमानत जब्त हो गई तो क्या होगा भाई साहब? जब्त होती रहो, ये बीजेपी लड़ती आ रही अपनी माँ के पेट से। ओवैसी साहब नहीं लड़ रहे, ओवैसी साहब उन्हें हरा तो नहीं रहे। तुम चाहो बीजेपी जीत जाओ और मैं चाह रहा के हार जाऊँ, मेरे थारे चाहने से तो कुछ नहीं हो रहा, वो तो ऊपर वाले ने तकदीर लिख दी, वो जीत जाओ वो चाहे मर जाओ। मोबलिंग जिंग कर दो। लगा क्या ऐसा आपको, क्यों लगा इन्हें वोट करना चाहिए? भाई मुझे वो लगा किसी को कोई सपोर्ट नहीं है, समझ करो मैं घर का जिम्मेदार हूँ, 4 बच्चे मेरे, उनकी जिम्मेदारी मेरी हो गई, अब उसकी जिम्मेदारी वो कुछ भी नहीं, अल्लाह ताला दे रहा खाना वाला ऊपर सबको, ना तुम देने ना योगी देना। योगी है क्या, उसे किन्ने बनाया, किन्ने पैदावार करी उसने, इसलिए मंत्री तो आपने ही बनाया, वोट तो मैंने पहले आप लोगों ने क्या कहा, मैंने तो वोट दिया ही नहीं सर ना दूं, और लोगों ने तो दिया। हाँ ये तो बस ये तो भ्रष्ट बुद्धि जिनने दे दिया, अब भुगत रहे हैं इस चीज को।
इब जब ही तो अखिलेश की गोद में आ गए हैं भाई साहब, अब भुगत के अखिलेश की गोद में पहुंचे हैं यार हम ओवैसी की। जो आप आज चल भाई तू भी दे जवाब लग रहा, मतलब भ्रष्ट ये सब भ्रष्ट बुद्धि अगर योगी को जो हाँ अब ये भ्रष्ट बुद्धि जब ही तो वापिस भागी। अब तेल क्या था सुनो, अब तुम विकास की बात कर रहे हैं ना, मैंने पिछले साल 80 रुपए किलो तेल खरीदा, इब क्या है घर वाली को यूँ कह रहा मगर नलके में से पानी गिर और सूखी खुला मुझे रोटियाँ भाई साहब 170 रुपए लीटर तेल है। और सुनो ओ चुप हो जा, दिल बाग खाऊ था 1 रुपए का, ये हो रहा 5 रुपए का, लॉकडाउन में खाया 25 रुपए का। फायदा है अगर महंगा हो जाएगा दिल बाग खा के नुकसान, शरीर नहीं खराब होगा आपका, नशे से दूर रहना चाहिए जी। तो दारू के ठेके बंद करवा देना सबसे पहले, वो ड्रग्स रसफीम कुकिंग बंद करवा देना। अब 100 ग्राम के चक्कर में जो है शाहरुख के तो पीछे लग गया वो, और जो जो है 3000 करोड़ की गुजरात में पकड़ी गई उसका तो कुछ नहीं है। तो कोर्ट सुनवाई कर रही है ना सर, कोर्ट तो तुरंत बदली जा भाई साहब, तो कोर्ट तो जो है तुरंत जेम में आ ले। तो कह रहे हैं भाई जी अगर मेरी जो है नहीं इनकम शाहरुख खान से ऊपर चली जा, कोर्ट तो एकदम मेरी जेम में पड़े 6-7। कोर्ट शाहरुख खान की जेम में होगी तो क्यों घबरा रहे हैं आप? अभी तो उसका बाहर आ गया लड़का, अरे मेरा बागी बागी होता 20 साल वहां पड़ा रहता जो है तिहाड़ जेल में, बुढ़ा हो गया पहरियां देखते तू कौन है। तो पैसे से बाहर आएगा? हाँ वो पैसे से बाहर आए भाई साहब, वो पैसा क्योंकि जो है पावर से ज्यादा पैसा है। इब जब पैसा ऐसा हो रहा अगर मर जाना तो मरा भी खड़ा हो जाएगा जी, हाँ मैं हूँ। अच्छा। हाँ जी अब अगला सवाल करो भाई साहब, और सवाल करो आने वाले लोकसभा चुनाव भी हैं। अगर ओवैसी जी अभी मुख्यमंत्री के तौर पे आज मारे तो प्रधानमंत्री के उसमें भी खड़े होंगे, क्या लगता है? जब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो बनेंगे प्रधानमंत्री जी, जब भी नहीं देता वोट प्रधानमंत्री के में हो जाना, मैं जब भी नहीं देता ओवैसी साहब जिंदाबाद। इतना लट बजा रखा भाई तूने तेल महंगा क्यों कर दिया? मैंने कहा आपके योगी को बनाता ही नहीं, आपका क्या नाम है? प्रशांत साहब को बना मैं भी। अच्छा प्रशांत भाई साहब, ओवैसी जी को बनाइए आप। इतने लोग 24 घंटे के लिए अजी भाई ओवैसी छे और तेज कर दो भाई, उनमें तो जो है नहीं उसकी तो जो है बेस्ट बुद्धि है योगी की नहीं, जिन भाई साहब को मैं वोट दूंगा नहीं अपने चाहने वालों को, उनके भाई की तो है बेस्ट बुद्धि। में तो कहे 15 मिनट मुझे मिनट का तुमने याद दिलवा। अच्छा एक बात बताओ, मेरी पूरी आप इस सरकार, मेरी भी पूरी होने दो। आप इस सरकार में कह रहे हैं कि मैं हो गया, लेकिन अगर वो 15 मिनट वाले आ जाएंगे तो आपको नहीं लगता दूसरा जो तबका है वो नुकसान में? हाँ वो बेस्ट बुद्धि है, 24 घंटे के लिए आप मुझे बनाओ मैं पूरी 30 बदल के रख दूंगा। अच्छा हाँ जी मैं गया भाई, मेरी बात सुनो, मैं पहुंचा बैंक, उसने करी मेरे से 3 डाक से बात, आगे कॉपी मोड़ के क्यों लाया? भाई कॉपी है मेरी, इसे दुम्बा में फाड़, मेरी मर्जी मेरा कर अकाउंट बंद। और मका मैं कौन हूँ अग्गा गाह कौन हूँ? मका मैं हूँ भगवान तेरा, और मेरी कर पूजा। यहाँ ऐसे ऐसे को तो इन्होंने बिठा रहे, वो ऐसे ऐसे बयान, जब वो ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं तो कैसे जीत जाएंगे? वो तो भेदभाव बहुत फैला रहे हैं। जब ही तो उन्होंने कहा उस 15 मिनट वाले का भी हम सफाया करेंगे, हम यू नहीं करने तो इनके, जब आप ओवैसी जी को लाओगे भाई तो इनके हैं, उनकी भी पावर बनेगी भाई साहब। मैं पूरे हिंदुस्तान के जो है सबसे पढ़े लिखे और समझदार है जो है बात करें, उन्हें तो फंसाने की बात करो जा, लेकिन मैं फिर भी जो है समझदारी की बात करें बताओ करें ना, इस समझदारी की कितनी सुलझी बात करें। अब उनकी तो आप कह रहे हैं योगी की नहीं कह रहे आप, इनने कहा कि अगर तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे। आपको थोड़ी पाकिस्तान को कहा, आपको थोड़ी पाकिस्तान को नहीं कहा उसने, हमें कहा आपको क्यों कह पाकिस्तान को कहना, आपको कहना कैसे जो है दोबारा बयान चालू कर दो अगर हो गया। क्या कहा उन्होंने पाकिस्तान के बारे में? कहा उन्होंने कहा अगर तुमने एक को मारा तो हम 10 को मारेंगे। पाकिस्तान आतंकवाद और इन सब के बारे में कहा है भाई जी? दुनिया की 210 कंट्रियों में से मैं किसी भी देश का झंडा लेके घूम लूं खुजली नहीं होती, अगर मैं पाकिस्तान का लेके पीऊं ना तो एलर्जी चालू हो जा। ये देखे हमारे जवानों को शहीद करते हैं पाकिस्तान, तो भाई और कंट्री कहाँ इतना बात और को फिर पाकिस्तान में परमाणु घेरो। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।